जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप सब मजे में हो। तो आप लोग ये जो पीसी देख पा रहे हो, ये वाला पीसी अभी रिसेंटली मैंने बिल्ड किया है मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए, जो कि रहने वाले हरियाणा से। इन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे कांटेक्ट किया था ये वाला पीसी बिल्ड कराने के लिए। अब आज की इस वाले वीडियो में यही वाला हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं। अब ये वाला जो पीसी है, इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ने वाली है वो 70,000 रुपीज पड़ने वाली है, एंड 70,000 रुपए में ये काफी अच्छे खासे स्पेक्स ऑफर करवा देता है। तो आज की वीडियो में ये वाला पीसी हम बिल्ड करेंगे हमारे लोकेश भाई के लिए। एंड अगर आप भी कोई गेमिंग पीसी हमसे बिल्ड करवाना चाहते हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। यहाँ पे फ्लैश कर रही होगी, वहां से जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई keysclub.in। अगर आप सस्ते में विंडोज की जेन्यून OEM या फिर रिटेल की परचेस करना चाहते हो तो आप इनकी साइट को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको OEM की 750 रुपीज एंड रिटेल की 1350 रुपए में देखने मिल जाती है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC250, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने मिल जाएगा। एंड इनकी साइट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड फर्स्ट पिन कमेंट में देखने मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को और सीधे सीधे आप लोगों को बता देता हूं कि इस वाले बिल्ड में हमने कौन सा सीपीयू यूज किया है। इस वाले बिल्ड में गाइस हमने यूज किया है AMD की तरफ से Ryzen 5 3600, जिसमें कि आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने मिल जाते हैं। एंड ये वाला प्रोसेसर बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, इसको आप एक ऑलराउंडर सीपीयू कह सकते हो, क्योंकि इस वाले सीपीयू के साथ अगर आप डिसेंट सा जीपीयू पेयर करते हो ना, तो भाई आप आराम से गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग तीनों ही काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब इस वाले सीपीयू में आपको 3.6 GHz की बेस क्लॉक देखने मिल जाती है एंड अप टू 4.2 GHz तक की बूस्ट क्लॉक देखने मिल जाती है। साथ साथ में इस वाले सीपीयू में आपको 35 MB की कैच भी देखने मिल जाती है। नाउ अगर इस वाले सीपीयू को आप परचेस करना चाहते हो तो इसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके भी आप परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस की बात करूं तो भाई Amazon के ऊपर ये फिलहाल ये वाला सीपीयू 20,000 से 22,000 रुपए में मिला है, दैट मींस 20,000 to 22,000 रुपीज। बट यार वो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है इसके लिए। बट अगर आप ऑफलाइन में ये वाला सीपीयू सर्च करते हो तो आपको 19,000 से लेके 20,000 के अराउंड आराम से देखने मिल जाएगा। नाउ गाइस, ग्राफिक कार्ड के लिए इस वाले बिल्ड में हमने यूज किया है एक Zotac की तरफ से आने वाला RTX 2060 GPU, जिसमें कि आपको GDDR6 वाली 6 GB की VRAM देखने मिल जाती है। ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है 192 बिट के मेमोरी बैंडविड्थ के साथ आता है। एंड साथ ही साथ में ये वाला जो GPU है चीपेस्ट GPU है, जिसमें आपको रियल टाइम रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है, DLSS का सपोर्ट देखने मिल जाता है। कोर क्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 1680 MHz तक की बूस्ट क्लॉक्स देखने मिल जाती है। इन शॉर्ट ये वाला जो GPU है चीपेस्ट RTX सीरीज का GPU है। इसकी प्राइस की बात करूं तो भाई आप इसको आराम से 27,000 से लेके 28,000 के अराउंड आराम से परचेस कर सकते हो। इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इनफैक्ट इस वाले बिल्ड में मैंने जो भी पार्ट्स यूज किए हैं सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो इनकेस अगर आप ये वाला पीसी खुद बिल्ड करना चाहते हो तो अगर आप डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाके पार्ट्स परचेस करोगे तो उससे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। नाउ मदरबोर्ड के लिए यहां पे हमने लिया है MSI की तरफ से आने वाला B450 Pro VDH Max मदरबोर्ड। अब इस वाले मदरबोर्ड में आपको 4 RAM स्लॉट्स देखने मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आपको M.2 SSD का भी स्लॉट देखने मिल जाता है। एंड ये वाला जो मदरबोर्ड है इसको आप 7000 से लेके 7200 to 300 रुपीस में आराम से परचेस कर सकते हो। इनफैक्ट ये वाला जो मदरबोर्ड है इसमें आपको जो VRM सेक्शन मिलते हैं वो भी ठीक ठाक से देखने मिल जाते हैं। टोमाहॉक जैसे तो नहीं मिलते हैं बट एटलीस्ट हमारे जो एवरेज B450 चिपसेट्स आते हैं, जैसे गीगाबाइट का, आसूस का, ASRock का, जो नॉर्मल सस्ता वाला B450 मदरबोर्ड के चिपसेट आते हैं, उससे तो ये वाला मदरबोर्ड बेटर है एंड लुक्स वाइज भी ठीक ठाक से लुक्स ऑफर करवा देता है। एंड साथ ही साथ में इस वाले मदरबोर्ड में हमारा जो Ryzen 5 3600 है वो आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, तो भाई आपको BIOS ऐसा कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स आप इस वाले CPU को यूज कर सकते हो। नाउ गाइस, रैम के लिए यहाँ पे मैंने XPZ का 8 GB की 2 sticks वाली रैम यूज की है। टोटल हमने 16 GB की रैम यूज की है एंड 16 GB होने की वजह से ये वाला जो पीसी है ना भाई काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड 16 GB होने की वजह से इस वाले पीसी पे भाई आराम से आप गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एंड स्टिल अगर आपको 16 GB कम लगता है तो भाई हमारे मदरबोर्ड में 4 RAM स्लॉट दे रखे हैं, तो अगर आप चाहो तो फ्यूचर में भाई 2 RAM और लगा सकते हो। अब ये वाला जो रैम है लुक्स वाइज तो यार काफी डिसेंट सा दिखता ही है, साथ साथ में इसके ऊपर आपको हीट सिंक्स
भी देखने मिल जाती है। एंड अगर आप चाहो तो भाई इस वाले रैम को थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। अब इस वाले रैम की प्राइस की बात करूं तो भाई 2500 से लेके 2700 रुपीज तक आप 8GB की सिंगल स्टिक परचेस कर सकते हो। एंड टोटल यहाँ पे हमने 16GB के रैम यूज की है, तो हमको भाई 5400 रुपीज में ये वाला रैम पड़ा है। नाउ गाइस स्टोरेज के लिए यहाँ पे हमने किंगस्टन का 240GB का एक M.2 SSD लगाया है, जिसके ऊपर हमने लोकेश भाई को हमारी विंडोज 10 इंस्टॉल करके दी है। एंड ये वाली जो SSD है, इसमें आपको रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छी खासी देखने मिल जाती है। प्राइस की बात करूं तो भाई इसको आप आराम से 2700 से लेके 3000 रुपीस में परचेस कर सकते हो। एंड अगर आप M.2 SSD नहीं लगाना चाहते, नॉर्मल SSD लगाना चाहते हो, तो आप वो भी लगा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। फर्दर मोर स्टोरेज के लिए यहाँ पे हमने 1TB का तोशिबा का हार्ड ड्राइव यूज किया है, जो कि 7200 RPM के साथ आता है। एंड 1TB आर मोर देन इनफ रहने वाली है। अगर आप गेम्स वेम्स इंस्टॉल करते हो तो बिना किसी दिक्कत के कर पाओगे, काफी ज्यादा स्टोरेज है 1TB। अब हार्ड ड्राइव की प्राइस की बात करूं तो 3000 से लेके 3500 रुपीस में आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो। एंड ऑफलाइन ऑनलाइन आपको दोनों ही जगह मिल जाएगी। अब PSU के लिए यहाँ पे हमने लिया है Antec का B650 वाला PSU, जो कि 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग के साथ आता है। एंड भाई ये कोई मॉड्यूलर PSU नहीं है, तो अगर आप अपने बजट में रहकर एक 650 वोट का PSU परचेस करना चाहते हो ना, तो आप इस वाले PSU को कंसिडर कर सकते हो। ठीक ठाक से यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, यहाँ पे आपको सारे फ्लैट केबल्स देखने मिल जाते हैं। एंड 650 वोट इस वाले बिल्ड के लिए थोड़ा सा ओवरकिल है, बट हमने 650 वोट इसलिए लगाया ताकि लोकेश भाई अगर फ्यूचर में प्रोसेसर या फिर अपना ग्राफिक कार्ड अपग्रेड भी करना चाहे ना, तो इसी वाले PSU के साथ रहकर आराम से कर सके और उनको भाई PSU तब चेंज ना करना पड़े। हालांकि अभी जो हमने एक्स्ट्रा पैसे PSU के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, वो बाद में इनके लिए यार फायदेमंद साबित होने वाले हैं। अब लास्ट में बचा है हमारा कैबिनेट, जो कि भाई आपने देख ही लिया है। तो हमने कैबिनेट यूज किया है ये एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से ICE 511MT। अब ये वाला जो केस है, बढ़िया केस है यार, मतलब बजट में रहकर आप लोगों को फ्रंट में मैस ऑफर करवा देता है। साथ ही साथ में इस वाले केस में आपको 4 RGB फैंस देखने मिल जाते हैं, जिनको आप ऊपर की तरफ से कंट्रोल कर सकते हो बटन से। एक यहाँ पे आपको अलग से बटन भी देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल ये वाला जो केस है काफी बढ़िया केस है। साइड में आपको यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाता है। एंड गाइस फ्रंट में मैश डिजाइन होने की वजह से एयर फ्लो भी काफी अच्छा खासा ऑफर करवा देता है। एंड गाइस इस वाले CPU के साथ हमने स्टॉक कूलर ही यूज किया है, तो फिलहाल तो भाई स्टॉक कूलर ही यूज करेंगे, बट फ्यूचर में अपग्रेड करने वाले हैं कोई एक आफ्टर मार्केट वाले कूलर से। साथ ही साथ में इस वाले केस में आपको ऊपर की तरफ मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई फालतू की डस्ट आपके कैबिनेट के अंदर नहीं जाएगी और आपका जो कैबिनेट है वो थोड़ा सा क्लीन रहेगा। एंड गाइस इस वाले कैबिनेट में आपको पीछे की तरफ काफी अच्छा खासा स्पेस देखने मिल जाता है केबल मैनेजमेंट के लिए, तो केबल मैनेजमेंट भी आप काफी अच्छी तरह से कर सकते हो। एंड जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, इस वाले बिल्ड में हमने काफी डिसेंट सा केबल मैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से हम यार काफी अच्छा सा क्लीन लुक अचीव कर पाए हैं। तो बस गाइस ये था हमारे लोकेश भाई का बिल्ड। अब फटाफट से यार इस वाले PC को मैं बिल्ड कर लेता हूं, एंड मैं मिलूंगा आपको PC बिल्ड के बाद। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. So, बस गाइस हमारा बिल्ड हो चुका है रेडी। एंड आप लोग देख ही पा रहे हो यार, काफी अच्छा लग रहा है ये देखने में।
तो आप लोगों को ये वाला बिल्ड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप हमारे पास पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो भाई हमारी इंस्टाग्राम आईडी से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं इस वाली वीडियो पे ओनली 2000 लाइक्स। तो यार काफी मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियोज लाने में आप लोगों के लिए, तो यार फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो। एंड आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बेंचमार्क्स, तो यार बेंचमार्क्स मैंने अभी नहीं निकाले हैं, बट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस वाले पीसी के एक डेडिकेटेड बेंचमार्क वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप वो वाला वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो। तो बस मैं विवेक मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।